हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोग जिस औषधीय वनस्पति की पहचान कर रहे हैं उसका नाम है हल्दी। हल्दी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि हरिद्रा हल्दी, इंग्लिश में इसे टर्मरिक बोलते हैं और बॉटनिकल वनस्पति नेम में इसको बोलते हैं करकुमा डोमेस्टिका। और यह तकरीबन चार प्रकार का होता है, काली हल्दी, सौंठ हल्दी, टोरा हल्दी, स्याही हल्दी। और जो वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है वह जंगली हल्दी है और यह टोरा हल्दी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसमें सौंठ की तरह कंद नहीं होते हैं, गोल कंद होते हैं इसमें। ठीक है मित्रों, और इसका जो औषधि प्रयोग किया जाता है वो ज़्यादातर कंद का प्रयोग कर लिया जाता है, और इसकी या फिर कहीं कहीं कोपल पत्तियों का भी इसका औषधि प्रयोग करते हैं मित्रों। ठीक है, और इसका स्वाद बहुत ही अल्प तिक्त होता है, और इसमें जो प्रमुख रूप से जो रसायन पाए जाते हैं वह हैं जैसे कि करक्यूमिन, टर्मेरिक, टर्पोनाइट्स, स्टार्च, इस प्रकार से इसमें प्रमुख रूप से तत्व पाए जाते हैं जो हमें स्वस्थ करने में हमारे लाभदायक होते हैं। और इसका उपयोग जो होता है जिन जिन रोगों में किया जाता है वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि रक्त शोधन, सूजन, चर्म रोग, उदर कृमि, मधुमेह, डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए लाभदायक है। उसके बाद है बहुमूत्र, यूरिन दोष, यूरिन दोष में मतलब बहुमूत्र यूरिन दोष मतलब मूत्र विसर्जन में जलन, ब्लडिंग आना, इस प्रकार से रोगों को दूर करने में रामबाण औषधि का काम करता है। उसके बाद पांडु रोग, कुपाचन, कांबला और आँखों के ट्रकोमा, रोहें और आँखों का सूजन जैसे बीमारियों को यह दूर करने में रामबाण औषधि का काम करता है मित्रों। उसके बाद पेट की खराब अवस्थाओं को सुधारने में भी यह रामबाण औषधि का काम करता है मित्रों। कहीं कहीं रक्त पित्त अगर हो या पित्त अगर बढ़ गया हो और अगर खून की उल्टी आती हो तो रक्त पित्त जैसे रोगों में इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। और कहीं कहीं और भी उदाहरण हैं कि अगर मलबंद किसी का अगर शौच बंद हो जाए तो उस अवस्था में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।